हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैजिक विद नाइन के बारे में। सबसे पहले टाइप लिया है हमने सेम डिजिट सेम नाइन्स, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ़ नाइन्स रहेंगे। जैसे एक सम लेते हैं 42 × 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्लैश लिखेंगे। 42 का एक डिजिट कम लेंगे हम इधर पर तो 41 आ जाएगा, और इस साइड लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट तो 42 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 58। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4158। नेक्स्ट हम एक सम लेंगे 352 मल्टीप्लाई बाय 999, इसको लिखेंगे तो LHS RHS दो पार्ट में डिवाइड होगा ये सेलेस के फॉर्म में। एक डिजिट कम लेंगे 352 से, एक कम कितना होगा, 351 होगा। और उसके बाद इधर पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 648। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 351648। नेक्स्ट एक और सम लेते हैं 4233 मल्टीप्लाई बाय 9999, सेम डिजिट सेम नंबर ऑफ नाइन से वाला टाइप वन है ये तो। 4233 से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 4232। उसके बाद स्लैश लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट आएगा 5767। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 4232577। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के बारे में जो है मोर नंबर ऑफ नाइन्स। हमारे पास मोर नंबर ऑफ नाइन्स रहेंगे टाइप टू रहेगा, मोर नंबर ऑफ नाइन्स रहेंगे तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे 73 मल्टीप्लाई बाय 9999, तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट मिडिल पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट का क्या आएगा, एक डिजिट कम कर देंगे तो 72 आ जाएगा। मिडिल में जितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नाइन से, कितने एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ नाइन से, ये दो एक्स्ट्रा हैं तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, 72 का कॉम्प्लीमेंट सॉरी 73 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, 729927। एक और लिखते हैं मोर नंबर ऑफ नाइन्स के लिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। 369 मल्टीप्लाई बाय 9999, इसमें क्या है, पांच नाइन से दो नाइन्स एक्स्ट्रा हैं। 369 से एक कम कितना होगा, 368 होगा। मिडिल पार्ट में आएगा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नाइन्स, दो नाइन्स एक्स्ट्रा हैं, और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तीसरे जगह पर। 10 − 9 इज़ इक्वल टू 1, 9 − 6 इज़ इक्वल टू 3, और 9 − 3 इज़ इक्वल टू 6, 631। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 3689931। एक एग्जांपल और ले सकते हैं पर समय कम होने के कारण अपन थर्ड टाइप बात करते हैं, लेस नंबर ऑफ नाइन्स के बारे में। अब क्या रहेगा, लेस नंबर ऑफ नाइन्स रहेंगे, लेस नंबर ऑफ नाइन्स रहेंगे तो क्या करेंगे हम, 432 मल्टीप्लाई बाय 99 है तो जितने नाइन्स हैं उतने नाइन्स उतने डिजिट्स के पहले एक स्लैश लगा देंगे। जैसे इधर पर एक स्लैश लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक नंबर बढ़ा के टोटल में से माइनस कर देंगे तो एक नंबर फोर का क्या हो जाएगा, फाइव, तो फाइव माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 427। उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, 32 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 68। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक सम और देखते हैं 2468 मल्टीप्लाई बाय 999, तो क्या करेंगे हम, इसमें जितने नाइन्स हैं उतने डिजिट्स हैं नहीं हैं, उतने डिजिट्स ज़्यादा हैं, एक डिजिट ज़्यादा है तो स्लैश लगा देंगे।
इस एक डिजिट को बढ़ाएंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2465। अब क्या करेंगे, स्लैश के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे सिर्फ, 468 का कॉम्प्लीमेंट, 2 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 से माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 आएगा 3 और 9 माइनस 4 आएगा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2465532। तो मैजिक विद 9 के बारे में हमने जाना, 3 टाइप के होते हैं, एक जब सेम 9 हो और सेम डिजिट हो, एक मोर नंबर ऑफ 9 हो और एक लेस नंबर ऑफ 9 हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।